तो चलिए बच्चों, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट्स और सराउंडिंग का टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें पता करना है कि ये बॉडी और कितना टाइम लेगी टू कूल डाउन टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की डिफरेंशियल फॉर्म पता है, दैट इज dT बाई dT इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स t माइनस t नॉट, और t नॉट होता है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जो कि यहाँ पे हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। अब अगर t नॉट की वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dT बाई t माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स इंटीग्रल ऑफ dT। अब हमें 50 डिग्री टू 40 डिग्री आने का टाइम पता है, तो हम लिमिट्स पुट करें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी। इंटीग्रेट करेंगे एंड लिमिट्स डाल देंगे तो हमारे पास यह इक्वेशन आएगी। यहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, सो हम लिख पाएंगे ln ऑफ 20 बाई 30 इज इक्वल टू माइनस 5k। नेक्स्ट हम 40 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के लिए टाइम फाइंड आउट करते हैं। तो जो अभी हमने प्रीवियस इक्वेशन लिखा था उसी के अंदर अगर हम न्यू लिमिट्स डाल दें 40 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए और उसके लिए टाइम फाइंड आउट करें तो इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगी। लिमिट्स पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा ln ऑफ 10 बाई 20 इज इक्वल टू माइनस kT। अब हमने पहले जो इक्वेशन 1 निकाली थी जिसमें हमने k की वैल्यू निकाली थी, उस इक्वेशन 1 से अगर हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा t बाई 5 इज इक्वल टू ln ऑफ 10 बाई 20 अपॉन ln ऑफ 20 बाई 30। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 5 टाइम्स माइनस log 2 अपॉन log 2 बाई 3। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ऊपर की इक्वेशन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों ln के फॉर्म में है तो उसको हम log के फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें log 2 एंड log 3 की वैल्यूज दे रखी हैं, उसको इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास t आ जाएगा 8.4 मिनट्स। दैट मींस ये 8.4 मिनट्स और लेगा टू कूल डाउन फ्रॉम टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज आवर आंसर। सो टाइम टेकन फॉर कूलिंग फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज 8.4 मिनट्स।